की मशहूर एक्ट्रेस चारू असोपा और एक्टर राजीव सेन की शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल जारी है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि दोनों जल्दी तलाक भी लेने वाले हैं और इस बार खुद चारू असोपा ने भी दावा किया है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। बीते दिन चारू असोपा पति राजीव सेन का घर छोड़कर अपने नए घर में भी शिफ्ट हो गई। शादी में आ रहे उतार चढ़ाव के बीच ही चारू असोपा ने राजीव सेन पर एक और आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रेगनेंसी के दौरान राजीव सेन उन्हें धोखा दे रहे थे। इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे उनके बैग में ऐसा कुछ मिला था जो मुझे इस बात का सबूत भी दे रहा था। चारू असोपा ने मीडिया पोर्टल से बातचीत के दौरान पति राजीव सेन द्वारा दिए गए धोखे का खुलासा किया। एक्ट्रेस ने इस बारे में बात करते हुए कहा, कुछ महीने बीकानेर में रहने के बाद मैं मुंबई वापस गई। राजीव घर से सुबह 11 बजे जिम के लिए निकलते थे और घर रात को 11 बजे आते थे। कई बार वो 7 या 8 बजे भी लौट आते थे। जब मैं उनसे इस बारे में सवाल करती थी तो वो ट्रैफिक के कम होने का बहाना बना देते थे। उनकी इन बातों पर मैं भी भरोसा कर लेती थी। उन्होंने कई बार मुझे कार में सोने का भी बहाना बताया। राजीव सेन की चोरी के बारे में बताते हुए चारू असोपा ने कहा, एक बार वो बिना बताए दिल्ली चले गए और मैं घर में रखी चीजें समेट रही थी। उस वक्त मैंने उनके बैग में एक ऐसी चीज पाई जिसे देखकर मुझे लगा कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। चारू असोपा ने इंटरव्यू के दौरान राजीव सेन के हिंसक व्यवहार के बारे में भी बात की। टीवी एक्ट्रेस ने इस बारे में आगे कहा, हमारा पूरा परिवार इस बारे में जानता है। जब भी उन्होंने हिंसक रवैया अपनाया है तब तक मैंने उन्हें छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत प्यार करती थी जिससे मैं उनकी सारी गलतियां भूल जाती थी। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।